हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी टू टीच फॉर यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, कंप्यूटर लैपटॉप में हिंदी या इंग्लिश में वॉइस टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले ब्राउजर को ओपन करें और गूगल पर आप गूगल डॉस सर्च करें, जिसे आपको गूगल डॉस की ऑफिशियल वेबसाइट शो होगी। तो इसे आप ओपन करें, जिससे आपको इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। दोस्तों, गूगल डॉक्स में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की सभी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप डॉक्स पर क्लिक करते हुए गो टू गूगल डॉक्स पर क्लिक करें, जिससे गूगल डॉक्स ओपन हो जाएगा। या फिर आप गूगल ड्राइव को ओपन करें और गूगल ड्राइव में आपको लेफ्ट साइड में न्यू का ऑप्शन शो होगा, इस पर क्लिक करें, जिससे आपको यहाँ पर गूगल डॉक्स का ऑप्शन शो होगा। तो आप यहाँ से भी गूगल डॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप गूगल डॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल डॉक्स का एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि इसका इंटरफेस एमएस वर्ड की तरह ही होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइल का नाम देंगे, उसके लिए आपको लेफ्ट साइड में टॉप पर अनटाइल्ड डॉक्यूमेंट शो होगा, तो इस पर क्लिक करें और जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं वह नाम आप यहां पर टाइप करें, जैसे हम यहां पर डेमो वॉइस टाइपिंग टाइप करते हैं। दोस्तों, गूगल डॉक्स में सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि गूगल डॉक्स की फाइल को बार बार सेव नहीं करना पड़ता है, इसमें आपकी फाइल ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव पर सेव हो जाएगी। आप देख सकते हैं गूगल ड्राइव में यह फाइल ऑटो सेव हो चुकी है। अब दोस्तों, गूगल डॉक्स में हिंदी में वॉइस टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले आपको आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में एक्सटर्नल माइक को इंसर्ट करना होगा, तभी आप वॉइस टाइपिंग कर पाएंगे। तो माइक को इंसर्ट करने के बाद गूगल डॉक्स में टूल्स पर क्लिक करें और इसमें आपको वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन शो होगा, आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करें। दोस्तों, जैसे ही आप वॉइस टाइपिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टाइपिंग के लिए माइक की एक पॉपअप विंडो शो होगी। तो अगर आप हिंदी में वॉइस टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप यहां से लैंग्वेज को चेंज करें और यहां से आप हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। अब दोस्तों, यहां पर हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम जैसे ही माइक पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हिंदी वॉइस टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। हम यहां पर जो भी बोलेंगे वह सब कुछ हिंदी में टाइप होगा। तो हम माइक पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जो भी बोल रहे हैं वह टाइप होता चला जा रहा है, वो भी बिना कीबोर्ड को यूज किए। दोस्तों, गूगल डॉक्स बहुत ही सिंपल और रिलायबल टूल है। इसमें आपको एमएस वर्ड की तरह ही फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसमें आप किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को मॉडिफाई और जस्टिफाई कर सकते हैं, पैराग्राफ के लेआउट को सेट कर सकते हैं। दोस्तों, वॉइस टाइपिंग को स्टॉप करने के लिए इस माइक पर आप दोबारा क्लिक करें, जिससे वॉइस टाइपिंग स्टॉप हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो भी बोला वह एकदम सही तरीके से टाइप होता चला गया। दोस्तों, अब यह फाइल गूगल ड्राइव पर सेव हो चुकी है। अगर आप इस फाइल को देखना चाहते हैं तो आप गूगल ड्राइव को ओपन करें, जिससे आपको यहाँ पर गूगल डॉक्स की फाइल शो हो जाएगी। अब इस फाइल पर आप डबल क्लिक करके इसे आप ओपन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फाइल को आपके सिस्टम में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और डाउनलोड पर क्लिक करते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करें, जिससे यह फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यह फाइल डाउनलोड हो चुकी है और हमने जो भी बोलकर टाइप किया था वह सब कुछ हमें इस फाइल में शो होगा। तो हम इस फाइल पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं, जिससे यह फाइल एमएस वर्ड में ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, यह सारा टेक्स्ट जो कि हमने बोलकर गूगल डॉक्स में टाइप किया था वह सभी टेक्स्ट हमें यहाँ पर ऑफलाइन एमएस वर्ड में शो हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको सिर्फ कोई छोटा टेक्स्ट आपकी वॉइस से टाइप करना है, आपको एक से ज्यादा पैराग्राफ टाइप नहीं करना है, तो गूगल का एक बहुत ही अच्छा टूल है गूगल ट्रांसलेट, जिसका यूज करके आप वॉइस से टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, इस टूल के बारे में आप बहुत अच्छे से
जानते होंगे, लेकिन आपने अभी तक इसके वॉइस टाइपिंग फीचर्स को यूज नहीं किया होगा, तो दोस्तों गूगल ट्रांसलेट से वॉइस टाइपिंग करने के लिए आप आपके ब्राउजर को ओपन करें और यहाँ पर आप गूगल ट्रांसलेट सर्च करें और इसे ओपन करें। दोस्तों अगर आप हिंदी में वॉइस टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करें और इसके बाद आपको यहाँ पर एक माइक का आइकन शो होगा। अगर आप हिंदी में वॉइस टाइपिंग से टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो आप माइक पर क्लिक करें। दोस्तों वॉइस टाइपिंग के लिए आपके पास एक्सटर्नल माइक होना जरूरी है, तभी आप वॉइस टाइपिंग कर पाएंगे। तो हम माइक पर क्लिक करते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम जो भी बोल रहे हैं वह एकदम सही तरीके से हिंदी में टाइप हो रहा है। दोस्तों अगर आप वॉइस टाइपिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप दोबारा इस माइक पर क्लिक करें, जिससे वॉइस टाइपिंग स्टॉप हो जाएगी। और अगर आप टेक्स्ट को एमएस वर्ड में कॉपी करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करके इसे कॉपी करें और इसके बाद एमएस वर्ड को ओपन करें और वह टेक्स्ट आप यहां पर पेस्ट करें। आप देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट में हमने जो भी टेक्स्ट वॉइस से टाइप किया था वह एमएस वर्ड में पेस्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही इजी तरीके से अपनी वॉइस से हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।